हम सबके लिए भारी गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनजाति ताकत को पहचाना। भारत के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जनजाति गौरव को पहचाना। यह जनजाति समाज सिर्फ देखने में सीधा साधा देशभक्त ही नहीं है, यह वो समाज है जिसने जब जब इस देश पर कोई संकट आया है तो रक्षा करने के लिए जनजाति समाज हमेशा अग्रसर रहा है। ऐसे को पहचाना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहचाना, और इसीलिए आज हम खुशी के साथ कह सकते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जनजाति समाज को अमृतकाल के अवसर में 75 साल की आजादी के पश्चात भारत के सर्वोच्च पद पर अगर किसी को बैठाने का काम किया है तो वो जनजाति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहां पर सुशोभित किया है, देश के सर्वोच्च पद पर। ये सबसे बड़ा सम्मान आजाद भारत में जनजाति समाज को और जनजाति समाज से निकली हुई साधारण परिवार से एक महिला जिन्होंने जीवन को कष्ट में जीते हुए भारत की मूल्य और भारत की मूल धारणाओं को अपने साथ समावेश करते हुए जीवन व्यतीत किया, ऐसे महान विभूति को भारत की राष्ट्रपति बनाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया और जनजाति समाज को एक स्थान देने का प्रयास हुआ है।